मतलब मैं पेन वाइज बोल रही हूँ। हाँ, एक महीने के बाद मैंने डांस किया। और नेक पेन और ये बैक इसके पेन के साथ आई थी। फर्स्ट डे आई वाज बहुत ही बुरी हालत में थी, दर्द बहुत ज्यादा था। बट फर्स्ट सेशन के बाद ही मैंने बहुत शॉपिंग करी, खूब घूमा, तो आई वाज बेटर। फ्रेंड्स, एक्टिव प्लस से डॉक्टर जीतू मिश्रा, आज मेरे साथ शेफाली जी हैं। शेफाली जी तकरीबन 15-20 दिन या एक महीने से सर्वाइकल पेन के साथ परेशान थी। वो इनिशियली गई थी शोल्डर पेन के साथ, उनका शोल्डर वेट नहीं ले रहा था या उसकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड थी, बट जो भी उनके साथ मैं थेरेपी की गई, मसल ज्यादा रिलैक्स हो गई और उसके बाद मैं उनकी नेक ने सपोर्ट करना बंद कर दिया, जिसकी वजह से उनको चक्कर आना स्टार्ट हुए और वो पैनिक मोड में भी जा चुकी हैं। काफी सारी चीजें हुई, आज की डेट में वो काफी शांत हैं। मैंने उनके साथ एक मिनिमल थेरेपी वाला प्रोसीजर किया है और सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया है। आज की वीडियो में मैं सिर्फ उनके बारे में एडजस्टमेंट दिखाऊंगा। शी इज सेइंग ओके, बट आई एम नॉट गोइंग टू आस्क मोर, नाइदर आई एम गोइंग टू टेल हर टू स्पीक मोर, बिकॉज इस वीडियो का सेकेंड पार्ट मैं कल के सेशन के बाद कंटिन्यू करूंगा। ओके, रिलैक्स, ब्रीथ आउट, इजी। नाउ आई वांट टू डू इज यू लाई डाउन ऑन योर स्टमक, इजी। मच डिफिकल्ट, आई जस्ट वांट यू टू डू दीज एक्सरसाइजेस एट होम। In these exercises at home, shoulder rotations, ठीक है? अगर आधा आधा किलो के 1 किलो के डंबल्स हैं तो उससे हाथ चलाना है, ये वाला करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है? No medication, nothing, just come back to me. ठीक है friends, keep watching the video, you know, next part, and we'll give you the full information and the outcome of what she is feeling. वेलकम फ्रेंड्स, आज डे टू है, मेरे साथ में शेफाली जी हैं। हमने देखा ही था आपको प्रीवियस पार्ट में बताया है कि शेफाली जी कितनी परेशान थी और काफी हैरान थी, है ना? तो मैं जल्दी से शेफाली जी से भी कंडीशन के बारे में पूछ लेना चाहता हूँ। आज सेकंड वीडियो में अपना इंट्रोडक्शन दें, अपनी प्रॉब्लम बताएं और कैसा फील कर रही है दूसरे सेशन में। So my name is Shifalika. So the problem is with my shoulder initially, but it somehow it comes to here and I was not able to. Hindi ki audience hai. अच्छा हिंदी ऑडियंस है। वो सब हिंदी वाले हैं। Okay. So basically मैं अपनी neck hold करने में मुझे problem हो रही थी। मेरा 14 to 18 hours laptop पे work है। बहुत ज्यादा ये पूरा पोर्शन मेरा बहुत ज्यादा पेन में था एंड आई वाज मैं प्रॉपरली बैठ के काम नहीं कर पा रही थी। मैंने फर्स्ट सेशन लिया है बट टुडे आई एम फीलिंग अ लॉट बेटर। आई कैन से इफ आई परसेंटेज वाइज बोलूं तो 60-70% आई एम रिलैक्स्ड एंड आई एम फीलिंग बेटर। बट कोना काफी बेटर, क्योंकि किसी को भी ग्रेड में डाल देना, अपने आप ही को आप डाल रहे हो, तो इससे आप अपने आप अपने ग्रेड कम कर रहे हो। नहीं बट मतलब मैं पेन वाइज बोल रही हूँ। हाँ, एक महीने के बाद मैंने डांस किया। सो दैट्स व्हाई। सो मेरे व्यूअर्स फ्रेंड्स, मैं इनसे आज एक महीने की फीस एक साथ लेना चाहता हूँ, क्योंकि डांसिंग के लिए मैंने इनको ठीक नहीं किया। सो दिस वाज मैंने एक्चुअली मैं यही बोलूंगा मैंने कुछ नहीं किया। तो मैं आपको इनका आज सेकंड डे एडजस्टमेंट दिखाता हूँ, रिव्यू मैंने बता दिया कि हाउ शी फीलिंग। आप में से भी कोई परेशान हो तो आप हमें मिल सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। लेकिन फैंटास्टिक राइट, तो लेफ्ट तो कल भी हुआ था, राइट देखना है कि राइट में आज कोई वेट आया है या नहीं आया है। छोड़ो और जो भी मेरा मित्र इनको ट्रीट कर रहा था कानपुर में, मैं उसके लिए भी मैसेज देना चाहूंगा, आप शेयर कर दीजिएगा वीडियो। आपने कुछ भी गलत नहीं किया, हो सकता था कि जो एक पॉइंट पे जो आपने कहीं कुछ किया होगा वो शायद ज्यादा देर में क्लिक करती होगी। दैट वाज ऑल। सो स्टैंडर्डाइज करें ट्रीटमेंट, चाहे नया पेशेंट हो चाहे पुराना पेशेंट हो, एक अमाउंट से ज्यादा करने की जरूरत नहीं।
नहीं एंड शी इज फाइन सो यू कैन बी रिलैक्स एज आई हैव बीन टोल्ड यू आई थॉट मैं उनको सोचा कि मैं जाकर उनसे मिलके बताऊंगी कि आपने गलती की बिकॉज मेरी वजह से वो भी बहुत पैनिक में थे बट नाउ और अगर हमने गलत कर भी दिया तो वी ऑल आर लर्निंग यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट हम इससे ज्यादा कुछ और कर नहीं सकते सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अस अपना प्यार बना के रखें चैनल को सब्सक्राइब करें सपोर्ट करें ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि मैं आप तक पहुंच सकूं आप सब लोगों की हेल्प कर सकूं और नेक्स्ट वीडियो देखते रहिएगा थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच